सूचना भवन में भवन निर्माण विभाग की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि, राज्य खेल अकादमी के प्रथम निदेशक रविंद्र ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने जानकारी दी कि राज्य खेल अकादमी राजगीर नालंदा में उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 29 अगस्त को उद्घाटन करेंगे। राज्य खेल अकादमी राजगीर नालंदा का 750 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण किया गया है। 1 सितंबर 2024 से परिसर में अभ्यास खिलाड़ी शुरू कर देंगे। जैसा कि अभी ग्राम सचिव खेल विभाग ने बताया कि भवन निर्माण विभाग के द्वारा इस परियोजना का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि कला संस्कृति एवं युवा विभाग, जो कि अब खेल विभाग के रूप में उसका खेल का काम देखते हैं, उनके द्वारा यह प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी और लगभग 740 करोड़ रुपए की लागत से इस कार्य को कराया जा रहा है। और इसका काम अक्टूबर 2018 में प्रारंभ किया गया था, लेकिन बीच में कोविड और अन्य कारणों से इसका कुछ काम। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन समारोह के दिन 9 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धि के अनुसार नकद पुरस्कार देंगे। राज्य खेल अकादमी का 90 एकड़ के भूखंड में निर्माण कराया गया है। इंडोर और आउटडोर गेम को खेलने के लिए मैदान तैयार किए गए हैं। प्रशासनिक भवन को तैयार कर लिया गया है, उसका जो नियमित क्षेत्रफल है लगभग 70,000 स्क्वायर फीट है और उसमें लेक्चर हॉल, उसमें मीटिंग रूम, ऑडिटोरियम और कार्यालय कक्ष बनाए गए हैं। इसके साथ साथ उस परिसर में बालक बालिकाओं के छात्रावास बनाए गए हैं, जिसमें बालक के लिए लगभग 300 और बालिकाओं के लिए लगभग 150। इसके अतिरिक्त जो कोचेज हैं उनके भी हॉस्टल लगभग 45 के लिए बनाया गया है और साथ में ट्रांजिट हॉस्टल भी बनाया गया, क्योंकि जब खेल का आयोजन होगा तो लोग बाहर से आएंगे। और साथ में कॉमन मेस भी बनाया गया है, जिसमें लगभग 325 लोग एक साथ खाना खा पाएंगे। इसके साथ साथ वहाँ पर जो इंडोर हॉल भी बनाए गए हैं, कुल 500 बनाए जाने हैं और उस इंडोर हॉल में अभी तैयार कर लिया गया है और उसमें से जो इंडोर हॉल है उसमें कुश्ती, भारोत्तोलन, जूडो, ताइक्वांडो, तलवारबाजी, निशानेबाजी। निर्माण कार्य अक्टूबर 2018 से शुरू हुआ था। 55% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। शेष कार्य जून 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। 81 स्थायी पदों पर स्वीकृति और 33 संविदा पर बहाली होगी। वहीं 300 और 200 छात्रों के रहने की व्यवस्था है। पंजाब केसरी के लिए पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।